हेलो डी स्टूडेंट टुडे विल बी द स्टडी ऑफ नाउ चैप्टर टेन एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर बेटा वन क्या है बेटा एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन है बेटा रिकॉल दैट द टू सर्कल आर कॉन्ग्रेंट्स दे हैव टू द सेम रेडियाई प्रूव दैट द इक्वल कोड ऑफ द कॉनग्रेंट सर्कल सस्पेंडेड द इक्वल एंगल एट दियर सेंटर्स बेटा क्वेश्चन में कहा है कि कोई टू सर्कल हैं वे कॉन्ग्रेंटेड हैं इफ दे हैव द सेम रेडियस जब उनकी रेडियस क्या है बेटा सेम है और हमें प्रूव दैट हमें प्रूव करना है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल जब उस कॉन्ग्रेंट सर्कल की जो कॉर्ड इक्वल हो तब उनके सस्पेंडेड एंगल जो सेंटर पे बने हुए होते हैं वो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे तो गिवन क्या है हमें इसमें और हमें टू प्रूव प्रूव क्या करना है बेटा सबसे पहले बेटा क्वेश्चन क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ गिवन दी हुई है और क्या हमें प्रूव करनी है सबसे पहले आपको क्वेश्चन में कहा कि कोई टू सर्कल है वे कौन गेंटेड है तो हम क्या करेंगे बेटा कोई सेम रेडीआई की कोई टू सर्कल ड्रॉ कर देंगे इफ लेट हमने कोई टू सर्कल ड्रॉ कर दिए जो सेम रेडीआई वाले हैं लेट इसका जो सेंटर है वो ओ है इसका सेंटर जो है बेटा वो क्या है ओ डेस है इसकी जो कोड है वो ए बी है और इसकी कोड आपने क्या ड्रॉ कर ली बेटा सी डी ए भी इसकी कोड क्या है सी डी ओ इज देंटर ऑफ सर्कल एंड ओ डेज देंटर ऑफ सर्कल द कोड ऑफ इक्वल इन दोनों की कोड इक्वल है सेम रेडिया ये आपस में टू ट्राइंगल कॉन्गेंटेडेड कोई भी टू ट्राइंगल कॉन्ग्रेंटेड कब होते हैं बेटा जब आप उसको एक ट्राइंगल सेम रेडिया वाली इसी इधर वाली ट्राइंगल की सेम रेडियस वाली के ऊपर लोगे लोग तो आपस में सेप एंड साइज के अकॉर्डिंग क्या हुआ है इक्वल और उस किस बेसिस से हुए जब इनकी रेडियस सेम है तब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है जो दोनों सर्कल आपस में क्या है बेटा कौन घंटे है तो क्वेश्चन में ऑलरेडी जब हमें ये गीवन है तो हमें क्या चीज गीवन है ओ एडेस सी ओ डेस डी ये सभी इक्वल है बेटा ये रेडियस है ऑफ टू कॉन्ग्रेंट सर्कल ये रेडियस हैं आपकी रेडियस किसकी हैं ये टू कॉन्ग्रेंट सर्कल की रेडियस दी हुई हैं आपको ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ये सभी की सभी रेडियस हैं आपकी ऑफ द टू कॉन्ग्रेंट ऑफ सर्कल के लिए टू प्रूव हमें इसमें प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है कि ये जो सस्पेंडेड एंगल हैं ये आपस में इक्ल होंगे और कब जब इनकी ये कोड भी आपस में इक्वल है एंड हमें यह भी दिया हुआ है कि जो ए बी कोड है सी डी के क्या इक्वल है तो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी के इक्वल है बेटा क्वेश्चन में हमें कॉड इक्वल दी हुई है और ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी के क्या होगा इक्वल तो सॉल्यूशंस अर्थात प्रूव दैट इसका जो हम प्रूफ है वो कैसे करेंगे सबसे पहले इन ट्रेंगल इन ट्रेंगल ए ओ बी एंड ट्रेंगल सी ओ डी हम ट्रेंगल ए ओ बी और ट्रेंगल सी ओ डैश डी को ले लेते हैं एक तो इस ट्रगल के अंदर जो ट्रेंगल बना हुआ है ए ओ बी और इस ट्रेंगल सर्कल के अंदर जो ट्रेंगल बना है सी ओ डैश डी को अब हम इन दोनों ट्रेंगल को ले रहे हैं यदि हम इन दोनों ट्रेंगल को कॉन्गेंसिस दिखा देंगे बेटा यदि हम दोनों को कॉन्गेंस प्रूव कर देंगे तो ये इनकी क्या होगा कॉस्पोंडेंस एंगल्स तो कॉस्पोंडेंस एंगल आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल बिकॉज सी पी सी टी से तो सबसे पहले वी विल प्रूव दैट द ट्रेंगल ए ओ बी एंड सी ओ ओ डे सी ओड डी को हमें कॉन्विट दिखाने।, दिखाने की बेटा ट्रेंगल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं हम उसकी तीनों साइडेड भी दिखा सकते हैं तो हमने इसमें चेकआउट किया तो इसमें ओ इस ट्रेंगल की जो साइड ओ है ये इस रेडियस के ले लेते हैं ओ है एंड ओ इक्वल टू ओ डी ये हमें ऑलरेडी गिवन है ये हमारी गिवन पॉइंट है क्यों गिवन है बेटा ये ऑलरेडी आपको ऊपर मैंने लिखा हुआ भी क्योंकि ये रेडियस ऑफ कॉन्वेंट ऑफ सर्कल की है ये आपस आप में टू कॉन्वेंट सर्कल की क्या है रेडिया ही है जो आपस आप में इक्वल है ओ ओ डैश सी के और ओ बी ओ डैश डी के एंड एंग ये जो साइड है आपकी ए बी ये सी डी के इक्वल है इज द कोड है आपकी जो आपस आप में इक्वल है ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि कोई भी जगह कहाँ दिया हुआ है ट द इक्वल कोड ऑफ ए कॉन्ग्रेंट सर्कल हमें इक्वल कॉन्ग्रेंट सर्कल ये लिखा कि उसके सस्पेंडेड एंगल तो इक्वल कॉडिट दी हुई है तो ए बी सी डी के इक्वल दिया हुआ है गिवन कंडीशन है तो दिस इम्प्लाइज ट्रेंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो गया बेटा ट्रेंगल सी ओ डेस डी के देख लीजिए आप एक आपने वन साइड 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 आपने तीनों साइड दिखा दी तो बाई साइड 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 मतलब क्रिएटेड रूल एस 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 से ये क्या हुआ ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो ट्रेंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रेंगल सी ओडी के हो गया तो दिस इंप्लाइज जिसके कॉस्पोंडिंग एंगल है इसका क्या कॉस्पोंडिंग एंगल है एंगल ए ओ बी इस ट्रैगल का इसका इस ट्रैंगल का एंगल ए ओ बी और इस वाले ट्रेंगल सी ओ बी सी ओ डी के क्या हो गया इक्वल बाई सी पी सी टी से अर्थात कॉस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेन ट्रैगल से और बेटा हमें यही तो प्रूव करना था ये तो हमारे सस्पेंडेड एंगल थे तो क्या हुआ ये प्रूव हो गया तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको ये कंडीशन दी हुई है तो इस तरह से हम इसे प्रूव कर देंगे अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू प्रूव दैट इफ द कोड ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल सस्पेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन इज द कोड आर इक्वल बेटा ये क्वेश्चन नंबर वन का कन्वर्स लिए इस क्वेश्चन में आपको इस बार सस्पेंडेड एंगल्स को इक्वल कह दिया और आपको कोड को इक्वल दिखाना है इसकी कोड को क्या दिखाना है आपको इक्वल प्रूव करना है तो इसमें बस सिर्फ एक ही चेंजेस करना है जहाँ पे आपने कोड को इक्वल लिया था उस क्वेश्चन नंबर वन में जहाँ आपने कोड इक्वल ली हुई है कहाँ पे ये था आपका बेटा क्वेश्चन नंबर वन और आपने यहाँ पे ए बी जो कॉडिड थी इसको सी डी के इक्वल लिया हुआ था यदि मैं इस ए बी की जगह ए बी सी डी की जगह वो सस्पेंडेड एंगल ले लूँ एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी के ये तो यहाँ कह दूँ और ये स्टेटमेंट आपका जो गिवन है ये तो गिवन में पहुंच जाएगा और ये आपका प्रूव दैट में आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन चेंजेस हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू में किस तरीके से देख लीजिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है पहले कोई भी टू सर्कल ड्रॉ करें जो कॉनग्रेंटेड है सेम रेडियाई के कारण बिल्कुल सेम वही फिगर्स जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ड्रॉ करी है ओ तो सेंटर का ये सर्कल है ये का है इसकी कोड ए बी है और लेट इसकी कोड को सी डी आपने कह दिया ये सस्पेंडेड एंगल इस बार इक्वल दिए हुए और हमें इस कॉर्ड को इक्वल दिखाना है ए बी को सी डी के इक्वल प्रूव करना है तो गिवन क्या है हमें ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल ओ एस सी इक्वल टू ओ डी क्योंकि ये आर रेडियस ऑफ टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स ये कॉन्ग्रेंट सर्कल की जू रेडियज है एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डेस डी के हैं और हमें टू प्रू इसमें हमें प्रूव क्या करना है प्रूव करना है इसके अंदर कि जो कोड है ए बी वो इक्वल है सी डी के हमें ए बी कोड को सी डी के क्या दिखाना है इक्वल दिखाना है तो प्रूफ स्टेटमेंट इन ट्रेंगल्स इन ट्रेंगल ए ओ बी एंड ट्रेंगल सी ओ डेस डी में सबसे पहले बेटा ओ ए इक्वल टू ओ डे सी के एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी ये तो हमारी रेडियस इक्वल होने के कारण क्या है आपस में गिवन कंडीशन है ये क्योंकि टू सर्कल की जो कॉन्गेंट ये टू कॉन्गेंट सर्कल की क्या है रेडियस है ओ ए के इक्वल है इसमें और ये जो ओ बी है वो ओड डी के इक्वल है एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओड डी के इक्वल है ये भी क्या है इस बार गिवन है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि सस्पेंडेड एंगल यदि इक्वल इक्वल हो तो ये बेटा आपस में है देख लीजिए आप ये गिवन है तो दिस इंप्लाइज ट्रेंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रेंगल सी ओ डे डी के किस प्रॉपर्टी से बेटा इस बार आपने टू तो साइड दिखाई और वन एंगल दिखाया है तो साइड एंगल साइड क्रिएटेर रूल से जब ये कॉन्ग्रेंटेड हो गया है, तो बाईस ये जो इसकी कोस्पोंडेंट साइड है साइड कौन से वाली की तो ये AB, और इसकी ये तो ए बी किसके हो बेटा सी डी की जाएगी तो ए बी जो साइड है वो सी डी की जाएगी किस प्रॉपर्टी के कारण सी पी सी टी से और यही तो हमें प्रूव करना था अब आप देख सकते हैं बेटा खुद ही स्टेटमेंट में कि पहले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था कॉर्डेड गिवन थी आपने सस्पेंडेड एंगल को प्रूव किया था तो एस एस के द्वारा ये आपस में रेडियस इक्वल होगी थी और ये कॉर्डेड तो वाई एस एस के द्वारा प्रूव हो गया था इस बार आपको सस्पेंडेड एंगल इक्वल दिया हुआ है कॉर्ड को इक्वल दिखाने तो एक दूसरे के क्वेश्चन क्या है कन्वर्स है ओके बेटा